प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को अनूपपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पराजगढ़ विधानसभा के ग्राम कल्पा में आयोजित भाजपा प्रत्याशी सांसद हिमाद्री सिंह की चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने 70 साल में कोई विकास कार्य नहीं किए, कांग्रेस केवल झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि पक्का मकान केवल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिला है। अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी समय में 3000 के दर पर सरकार गेहूं खरीदेगी। आने वाले समय में गाय पालकों को दूध खरीदने वालों को भी सरकार बोनस देगी। साथ ही अनूपपुर जिले और शहडोल में शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। के निवासियों से चर्चा की, माननीय मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। हमारे यहाँ की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के लिए एक बार फिर वोट की अपील की। मुझे संतोष है कि जनता ने पूरा अप्रिशिएट किया। जनता विकास के साथ है, भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरी अपील और सबसे